हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरमन एंड यू आर वॉचिंग ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी न्यूज़। आप में से शायद कुछ लोगों को पता भी हो, मगर जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है अपने बिल्कुल दो नए मॉडल्स। अब ये जो मॉडल्स हैं बिल्कुल एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, नए इंजन के साथ बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो नया इंजन है वो पैरेलल ट्विन 650cc का एक इंजन है, जो कि EFI इंजन है प्लस एक ओवर स्क्वेयर इंजन है। ओवर स्क्वेयर का मतलब मैंने अपनी वीडियो में बताया था पहले कि हमारा जो स्ट्रोक है वो बोर से छोटा रहता है, जिससे कि वाइब्रेशंस जो है वो कम प्रोड्यूस होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं इन मोटरसाइकिल्स के बारे में सारी जानकारी और आप जानना चाहते हैं मेरा ओपिनियन इन बाइक्स के बारे में, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को, मैं आपको बताऊंगा ये सब कुछ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेप्टर की। इंटरसेप्टर एक मोर ऑफ ए क्रूज़र बाइक है, जो हम स्ट्रीट बाइक अगर हम बात करें तो वैसा एक बनाया गया है बाइक। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में बिल्कुल एक स्ट्रेट सीट के साथ एक गोल टैंक है। हमारा पेट्रोल टैंक जो है वो काफ़ी एक कंफर्टेबल राइडिंग के लिए, हैंडल की पोजीशन भी कंफर्टेबल राइडिंग के लिए रखी गई है। और ये एज ए क्रूज़र जो है वो मार्केट में उतारा गया है। इसमें हमें फ्रंट डिस्क और रियर डिस्क दोनों मिलेंगे, 650cc का ट्विन इंजन, जैसे कि मैंने पहले बात की थी आपसे। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ये इंजन है वो बिल्कुल ही ऑयल कूल्ड इंजन है। आप देख सकते हैं वहाँ पे रेडिएटर लगा हुआ है। इससे पहले एक रॉयल एनफील्ड आई थी जिसका नाम हिमालयन है, आप सबको मालूम ही है, वो ऑयल कूल्ड थी। इसके बारे में और मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो जो ये जो बाइक है बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बना है। इसकी चेसिस जो है वो डिज़ाइन की गई है UK में, और इसके जो इंजन पार्ट्स हैं वो पुराने इंजन पार्ट्स से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। 90% जो इंजन पार्ट्स हैं वो नए बनाए गए हैं। और सिद्धार्थ लाल जी का ये कहना है कि ये जो बाइक है वो आसानी से 100 माइल्स पर आवर की स्पीड पे जाएगी, जिसका कि मतलब है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाएगी। प्रोबेबली ये फर्स्ट बुलेट या फर्स्ट रॉयल एनफील्ड होगा जो इतनी स्पीड जो है वो अचीव करेगा। तो अगर मैं बात करूं सेफ्टी के बारे में तो ये बहुत एक अच्छा बाइक है। इसमें आपको ABS एज ए स्टैंडर्ड मिलेगा, और आपको फ्रंट पे डिस्क जो मिलेगी वो मिलेगी 320mm की, और रियर में जो डिस्क मिलेगी वो मिलेगी 240mm की। तो ये तो बात होगी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कलर्स कौन कौन से मिलेंगे। तो सबसे पहला कलर जो आपको मिलेगा वो है ऑरेंज क्रश, सेकंड जो आपका मिलेगा वो रेविश रेड, और थर्ड जो है वो सिल्वर स्पेक्टर। तो ये हो गई हमारे इंटरसेप्टर की बात, जो कि एक क्रूज़र है। अब बात करते हैं सेकंड मॉडल की, जो कि है कॉन्टिनेंटल GT। तो कॉन्टिनेंटल GT एक मोर ऑफ ए कैफर रेसर है, जो पहले भी इनकी लाइनअप में मौजूद है, मगर अब बिल्कुल एक नया कॉन्टिनेंटल GT ट्विन के नाम से इन्होंने निकाला है, क्योंकि ये ट्विन इंजन के साथ उसी इंजन के साथ पावर्ड है। तो हम इसे जानेंगे कॉन्टिनेंटल GT के नाम से। कैफे रेसर टाइप एक है, वही सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ सेम है, चेसिस बिल्कुल वैसी है। इसकी हैंडल बार की पोजीशन एक कैफे रेसर की तरह है, टैंक थोड़ा अलग है, छोटा कर दिया गया है, कंपैक्ट कर दिया गया है। पोजीशनिंग जो बाइक राइडर की होगी वो कैफे रेसर के हिसाब से होगी, और प्लस वही सब कुछ कि ये भी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक बड़े आराम से जा सकता है। तो अगर हम बात करें इसमें आपको कौन कौन से कलर वेरिएंट मिलेंगे, तो वो है आइस क्वीन, सी निम्फ और ब्लैक मैजिक। तो ये तीन कलर्स में ये अवेलेबल होगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो अवेलेबल ये होगा आपको 2018 अप्रैल के बाद ही। तो इसमें इन्होंने, कंपनी ने साफ कहा है कि हम इसको अवेलेबल तभी करवाएंगे जब हमारी कैपेसिटी होगी कस्टमर्स की नीड को पूरा करने का। तो वर्ल्ड में जो पहले ये डिस्ट्रीब्यूट होगा वो UK और इंडिया में ही होगा, तो उसके बाद इसको जो है धीरे धीरे से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करना शुरू कर देगी कंपनी। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो अभी कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कहीं भी कि इसकी प्राइस जो है वो कितनी रखी जाएगी, आपको कितने में ये मिलेगा। पर अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ये कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 लाख के बीच में दोनों मॉडल्स जो हैं वो पड़ेंगे। 3.5-4 लाख रुपए जो मतलब इसकी कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 500cc आपको सिंगल सिलेंडर इंजन जो है वो 2 से 2.25 के करीब आपको अभी भी पड़ ही रहा है। तो अगर कोई रेवोल्यूशन आया है, नई चीज़ आई है मार्केट में, तो आपको इतनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ कि इसमें टेक्निकल अपग्रेडेशन क्या की गई है। एक तो ABS आपको मिल जाएगा, दूसरा आपकी जो टैपेट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं,
ओवरहेड कैम मिलेगी आपको, एक चेन पावर जो है नीचे से क्रैंक से जो है वो चेन के थ्रू कैम तक जो है पावर जाएगी, वो कैम ऊपर ऑपरेट करेगी। आप पिक्चर में देख सकते हैं साफ तौर पे, उन्होंने बताया है कि हर सिलेंडर पे 4 वॉल्व होंगे, तो टोटल 8 वॉल्व आपके लिए होंगे वहाँ पे इंजन के लिए। तो इंजन वाइज, डिज़ाइन वाइज बाइक बहुत अच्छा है, चेसिस वाइज बाइक बहुत अच्छा है, ये मेरे ओपिनियन है। अब रिलायबिलिटी और प्राइस के हिसाब से कैसे ये बाइक परफॉर्म करता है वो तो ग्राउंड रियलिटी या प्रैक्टिकली ही पता लगेगा जब ये बाइक बिकना शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसे लगे आपको ये दो मॉडल, आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको एक थम्स अप दे सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही और वीडियोस मेरे चैनल की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको दबाने से आप मेरी कोई भी अपडेट जो है वो मिस नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपके पास मेरे लायक कोई फीडबैक या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ, मैं फिर हाजिर रहूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।